अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं। शादी नहीं है? शादी बिल्कुल नहीं है, ये अवार्ड फंक्शन है, डिनर नहीं होगा यहाँ पे। तो ये लिफाफा जो मैं लाई हूँ 101 रुपए का, किसको दूँ? 101 का लिफाफा भी लेकर आई हो तुम? आउट ऑफ बजट गई हूँ मैं, लेकिन नहीं आई अंडरस्टैंड, तुम आर्ट फिल्म वाली हो, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है। हाय कपिल। हैं? हाय। पक्का यही था? भूल, मैं भूल। तुम लगता कुछ भूल रही हो, कुछ रागनी या मेलोडिक समथिंग। लिपस्टिक इज ओके, कॉस्ट्यूम इज फाइन, हेयर भी ठीक है, मतलब क्या, मुझे तो सब कुछ याद है यार। तुम एक काम करो, अपना खाना कम करो, सलाद बढ़ाओ थोड़ा। अभी यहाँ पर अपना बेस्ट टैलेंट दिखाएगा, उसे मिलेगा बेस्ट एक्टर का ओके स्टैम्प। यस, हम तो दिखा चुके भैया अपना टैलेंट पीके में। वो टैलेंट था नहीं, वो मतलब वो दिखाया जो टैलेंट था। सच्ची? तो पूरा क्यों नहीं दिखाया? आगे की बात मत करना प्लीज, आगे की बात तुम नहीं करोगे, लोग हंस देंगे। और थोड़ा सा टैलेंट ना इनका, इनका थोड़ा सा टैलेंट रेडियो के पीछे चुप गया था। थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो, थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए। तो तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या? हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी, उनमें फाइबर होता है। प्लीज, वैसे मैं सोच रही हूँ, कुछ भूल रही हो तुम यार, मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा, पैदा होने से पहले मैं कहा प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ। यस मनीष, यू कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग ब्रदर। यार तुम्हें इतना नहीं पता कि एक हैंडसम आदमी आया है, थोड़ा उसकी तारीफ भी करो कुछ। अच्छा ठीक है, सीधा मुंह पे बेइज्जती। बेदी साहब कैसे हैं? हाय कपिल। हाँ जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें धुआंधार कॉमेडी के बादशाह, द बेस्ट होस्ट कपिल शर्मा का। तुम लोग जब देखो तब मुंह उठा के तालियां बजाते रहते हो। जो पिक्चर ओ माय गॉड ओरिजिनल थी उसने इतने पैसे नहीं कमाए, और इन लोगों ने चुरा चुरा के उसमें मसाला लगाया, उसमें थोड़ा सा उसको फ्राई किया और इतने पैसे कमा लिए। तुझे किसने मना किया था मसाला लगाने का? इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं? या ओबामा सर भी यही कहते हैं। एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपर्ब नहीं, सुपरमैन की तरह है, जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है। नहीं, बात कई लोगों को समझ आती है। खैर इट्स ओके, तुम ना आते ही शुरू हो गए। मैं तो जब दुनिया में आया था तभी शुरू हो गया था। रॉबिन हुड पांडे, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? जोरदार तालियां सलमान के लिए। तेरे में हैंगओवर हुआ है क्या? मेरी फिल्म हिट का हैंगओवर है मेरे दोस्त। अरे हिट तो मेरी भी हुई है यार। दो साल पे स्क्रिप्ट में मेहनत करके ओके, और प्रमोशन के लिए पूरे वर्ल्ड और बच्चों के बर्थडे अटेंड करने के बाद हिट हुआ। तो क्या? क्या मुझे देखो, मैंने ना तो एक्टिंग में मेहनत की है ना तो प्रमोशन में, तो फिल्म तो हिट हुई ना। तालियां। सबके मुंह यूं हो जाते हैं। हमारी वाली भी अच्छी लग रही जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे। मैंने रागनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आम तौर पे ऐसे ही चल के आती है, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता, थोड़ा सा लहंगा उठा के ना। और तुम लोग पहले थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको, क्यों लंबा पहनती हो? क्या ये सच है कि एंटरटेनमेंट में आपने कुत्ते का रोल कटवा दिया क्योंकि आप इनसिक्योर फील कर रहे थे? मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने आज तक किसी एक्टर का रोल नहीं कट करवाया। अरे जब किसी एक्टर का रोल नहीं काटा तो कुत्ते का रोल क्यों काटा? रोल वोल नहीं काटा मैंने, बदला लिया। बदला कैसे? कैसे लिया बदला? हुआ क्या, वो जो कुत्ता था ना, हाँ, उसने मेरे को काट दिया 3 बार। अब मैंने कहा मैं तो इसको काट नहीं सकता। कुत्ते को कैसे काटोगे? कॉमन सेंस यूज करते हो, छोटी छोटी बातें। इसलिए तुमने उसका रोल काट दिया। हाँ बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच एंड गेट लॉस्ट। तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना? कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे। कब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी। ओह, शी वाज वेरी लो इन इंग्लिश। आई टोल्ड हर दैट यस्टरडे योर टेंपरेचर इज वेरी हाई एंड शी सेड आई एम नॉर्मल। उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूं। होता है कभी। मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? नॉर्मली यू आर 98 एक्चुअली, बट यू मे बी गो बिहाइंड द 101 डिग्री एक्चुअली। Maybe function khatam hone tak you will become a, you know, like a pizza on, somebody can make a pizza on your forehead and aake main tumse ye jo dance hai wo thoda sa seekhu।
आमिर, आप ये बताइए कि आपने पीके के पोस्टर का आइडिया कहीं से चुराया है? नहीं। लेकिन न्यूज़पेपर में तो आया था, वो जिसका पोस्टर आपने कॉपी किया था वो भी लगाई हुई थी फोटो वहाँ पे। हाँ, लेकिन वो मैंने पहले देखा नहीं था। देखा नहीं था तो फिर ये पोस्टर का आइडिया आया कहाँ से? हम लोग राजस्थान में शूटिंग कर रहे थे और बड़ी गर्मी थी, और इतनी गर्मी थी कि मैं बिना कपड़े पहने रेलवे लाइन के किनारे पहुंच गया, फ्रेश होने के लिए। टाइम पास के लिए मैं अपने पास रेडियो भी ले गया था, और फ्रेश हो ही रहा था इतनी देर में एक देशभक्ति की एक गीत उस पे आ गई रेडियो पे, और रिस्पेक्ट में मैं यार खड़ा हो गया। तभी यार किसी ने यार वो फोटो खींच के पोस्टर बना दी यार। यू आर जस्ट ब्यूटीफुल यार। क्या बात है। थैंक यू कपिल, तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे, मैं तो ऐसे मजाक से पूछ रही थी यार। अच्छा, मजाक भी तुम करोगी है, मैं क्या वड़ा पाव खाने आऊं यहां पे? मजाक भी अब सारा कुछ यही करेंगी अब। जहां तक मेरा अंदाजा है, अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया में लोग। तुम यहां होस्ट करने आए हो? हां तो वो चल रहा है वो, देखो भाई साहब। अच्छा ये देखो, आपकी बेटी है आपकी है, बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते? शादीशुदा आदमी देख ला बच्चे पिला, और बीवी भी मैंने देखा है एक दो साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती। लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में। एनीवेज अंदाजे की बात चल रही थी, हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं, घर में चार चार घड़ियां पड़ी होती फिर भी सोच रहे होते यार 9:30 लगता हो गए, दियार बाती खत्म हो गया है, सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही, लगता है कॉमेडी नाइट से कपिल शुरू हो गया। ऐसे ही जब कोई और प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके, लाइट्स, एक्शन। सर ये हाथ इतनी देर यहां मत रखिए, मंदिर के पास ये स्टूडियो। सॉरी। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो इसलिए पीते हैं कि यहां बैठ सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। नो 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 नो, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। क्यों? क्योंकि ये मेरा डायलॉग है। कोई ना तकलीफ, कोई ना तकलीफ। जहां से मैं देख रहा हूं बाबूजी, मुझे तो कोई भी तकलीफ दिखाई नहीं दे। तकलीफ कैसे? कभी मेरे नजरों से देखो कितनी तकलीफ होती है जब तुम अपनी इस कराती आवाज में मेरे डायलॉग बोल जाते हो। मुश्किल नहीं है, नंगी है। हो गया, लाइट्स ऑफ। ओके सर, आपका हो गया, थैंक यू सो मच। चलिए, अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली, मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊं, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। अच्छा, तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। यस। बताओ पानीपत में कितनी लड़ाइयां हुई थी? 4। बड़ी बेकार है यार, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा? हमेशा किताबी, ये बुक वॉर्म्स। अरे बड़ी हुई उसके बाद तो, उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई, उन्होंने कहा हटाओ, उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, 5वीं लड़ाई। मैंने तुम्हें बताता नहीं हूँ अभी, लड़ाइयां तो बड़ी हुई हैं। यार तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई अपना... मैं क्यों करूं भाई? अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूं, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए, कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूं, जिनका शो कबूल है वो 1.5 साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह के स्टोरी लंबी करते रहते हैं। सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांटते तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, पांचों ननद, रामू काका, माली, ड्राइवर, सब उसे डांटते ना देते, जब तक तब तक वो चुप रहती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं पूरी दुनिया में नजर रख सकता हूँ। वेरी फनी, ऐसी शक्ति सिर्फ सलमान खान के पास है। अरे वो तो 10-12 लोगों में नजर रखते ना, मैं तो पूरी दुनिया में नजर रखता हूँ, और मेरा इस काम में हेल्प करते हैं हमारे न्यूज चैनल्स जो मुझे 24 घंटे देश विदेश की लेटेस्ट खबरें देते रहते हैं। कल ही मैंने न्यूज़ में देखा कि एक चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की। वो तो इसीलिए ना, क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती। और वैसे भी इसमें जादू क्या है? जादू क्या है? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जिन्होंने एक एक की उनका ये हाल है, ये देखो बच्चे संभाल रहे, जिसने 100 की उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा।